तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि G20 के समय हम लोगों ने एक बात को लेकर डिस्कस किया था कि जो होस्ट होता है, जो भी कंट्री मेजबानी कर रही है, उसके पास इस बात का राइट होता है कि वो G20 के सदस्यों के साथ साथ कुछ ऐसे देशों को भी इनवाइट कर सकता है जो कि G20 का पार्ट नहीं है। जैसे हम लोगों ने UAE को गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया, इसके अलावा हम लोगों ने बांग्लादेश को बुलाया, तो इस तरह से हम लोग इसराइल को बुला सकते थे, लेकिन भारत ने वहां पर ऐसा नहीं किया। इसराइल हम जानते हैं कि स्ट्रैटेजिकली भारत के साथ साथ G20 के अंदर कई सदस्य हैं जिनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने इसराइल को नहीं बुलाया और ये काफ़ी दुखद था, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो भारत को बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ता और इस समय भारत की डिप्लोमेसी ऐसी नहीं है कि हम लोग इस लेवल का विरोध रोक पाते। इस वजह से भारत ने भी ज़्यादा झंझट नहीं किया और सिंपली नहीं बुलाया। इसराइल भी समझता है इन सारी बातों को। लेकिन दोस्तों इस G20 से जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आई है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसराइल को ही मिला है और आप ये समझ लीजिए कि पूरी की पूरी जीत भारत द्वारा इसराइल को डेडिकेट कर दी है। इसराइल के सारे गोल एक ही G20 में पूरे हो गए और वो भी वो G20 जो कि इसराइल के अंदर नहीं बल्कि भारत के अंदर हुआ है। इससे बड़ा दोस्ती का नमूना दूसरा कोई देखने के लिए नहीं मिल सकता। डेफिनेटली इसमें भारत को भी फायदा हुआ है, लेकिन अब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगले 100 सालों के लिए भारत हो, इसराइल हो, UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, ये आपस में मजबूत दोस्त बन चुके हैं और ये संगठन कुछ इस तरह से काम करने जा रहा है कि दुनिया की वो खराब शक्तियां जिसमें हम लोग चाइना को शामिल कर सकते हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। चलिए आगे जानते हैं खबर क्या निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किसी भी तरह का विश्लेषक नहीं हूं, डिफेंस हो या फिर फॉरेन अफेयर हो, मैं केवल आपको न्यूज प्रोवाइड करवाता हूं। लेकिन एक विश्लेषण मैंने किया था और वो विश्लेषण पूरी तरह से अब सटीक साबित हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि देखिए IMEC कॉरिडोर जो कि भारत से सीधे यूरोप तक पहुंचेगा, जिसमें दो महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाले हैं, एक तो होगा सऊदी अरेबिया और दूसरा होगा इसराइल। इसराइल और सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो इन दोनों देशों के बीच में अभी तक की पीस डील नहीं हुई है, जैसे कि UAE के साथ इसराइल की पास्ट में हुई थी और ये फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक पॉइंट बना हुआ है। इन दोनों देशों के बिना ये कॉरिडोर कंप्लीट नहीं माना जा सकता, तो हर हाल में इस कॉरिडोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन दोनों देशों के बीच में पीस डील को एस्टैब्लिश करवाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि G20 के दौरान इस बात को फाइनल कर लिया गया था और भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था कि अगले 2 महीनों के बाद सितंबर में G20 हो रहा है और नवंबर में हम लोग फॉलो अप लेंगे कि जो प्रावधान हम लोगों ने G20 में रखे हैं, जिन प्रस्तावों के ऊपर सहमति बनी हुई है, उनके ऊपर काम क्या क्या हुआ है, इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब इसमें ये जो कॉरिडोर बनाने की बात चली है IMEC, इस कॉरिडोर को लेकर भी फॉलो अप लेना है 2 महीनों के बाद। तो अल्टीमेटली इन 2 महीनों के समय में इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस एस्टैब्लिश करवाना सबसे बड़ा काम था। इसके लिए कुछ अड़चनें आ रही थी। कारण ये था कि सऊदी अरेबिया द्वारा कुछ शर्तें बीच में रख दी थी। उनमें से एक शर्त थी डिफेंस को लेकर। सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा परेशान है और अमेरिका द्वारा देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जिस तरह के हथियार देने का वादा किया था या प्रोटेक्शन का वादा किया था, वो सारा जो बाइडन ने फॉलो नहीं किया। तो एक तो डिफेंस को लेकर उससे काफी दिक्कत थी। दूसरा चाहता था कि सिविल पर्पज के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट उसके यहाँ पर स्थापित किए जाएं। इसके अलावा जो तीसरी शर्त उसने रखी थी, वो रखी थी पैलेस्टाइन को लेकर। अब मैंने आपको उसी दिन कह दिया था कि देखिए, डिफेंस और न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन दो शर्तों को मनवाने के लिए ही पैलेस्टाइन नाम की एक शर्त बीच में सऊदी अरेबिया ने रखी है। सऊदी अरेबिया को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता पैलेस्टाइन को लेकर, क्योंकि सऊदी अरेबिया अब इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। उसे इस समय अपने बाकी के गोल्स पूरे करना है, जिसके लिए डिफेंस उसके लिए ज़रूरी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़रूरी है, ताकि अगर इन फ्यूचर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो उसके काउंटर के लिए सऊदी अरेबिया भी हाथ पैर एटलीस्ट मार सके। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर ये दो डिमांड्स सऊदी अरेबिया की अमेरिका द्वारा मान ली जाती है तो पैलेस्टाइन को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा, और अगर पैलेस्टाइन का मामला बीच से छूट जाता है, सऊदी अरेबिया इसे बार बार उठाना बंद कर देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में काफी लंबे समय के लिए पीस एस्टैब्लिश हो सकती है। और अब एक्चुअली कुछ ऐसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 2-3 दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका द्वारा एक कमिटमेंट किया गया है, सऊदी अरेबिया को दरअसल एक प्रस्ताव दिया गया है कि देखिए, हम लोग आपको बिल्कुल वैसी ही डिफेंस प्रोटेक्शन देंगे जैसे कि हम लोग जापान को दे रहे हैं। अब अमेरिका द्वारा ऑफिशियली कह दिया गया है और प्रस्ताव दे दिया गया है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर किसी भी तरह का अटैक कोई करता है तो वो अटैक सीधे सीधे अमेरिका के ऊपर माना जाएगा।
ये बिल्कुल वैसे ही पैक्ट होगा जैसा कि 1971 के समय भारत और सोवियत यूनियन के बीच में था, या फिर नेटो कंट्रीज में आपस में होता है। एक देश के ऊपर हमला तो दूसरे के ऊपर भी माना जाएगा। तो ये प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से दिया गया सऊदी अरेबिया को सबसे बड़ा प्रस्ताव है, और इसी तरह के प्रस्ताव का वेट सऊदी अरेबिया लंबे समय से कर रहा था, ताकि अगर यमन की तरफ से, ईरान की तरफ से, इराक की तरफ से, किसी भी तरफ से अगर कोई अगर अटैक करने की कोशिश करता है सऊदी अरेबिया को, तो बीच में अमेरिका प्रतिबद्ध रहेगा फुल फ्लेज वॉर लड़के सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इसका प्रस्ताव दे दिया गया है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात जहां तक आती है, तो उसके लिए तो अमेरिका शुरुआत से ही मान गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये चीजें अब क्लियर होती जा रही है कि सऊदी अरेबिया बीच में जो पैलेस्टाइन को लेकर जितनी भी डिमांड रखी थी कि उसे एक स्वतंत्र देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए, एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, वो सारी शर्तें बीच में से अब बहुत जल्द हट जाएगी। और अगर सऊदी अरेबिया बार बार पैलेस्टाइन का मामला उठाना बंद कर देगा, तो सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस में बाकी जितने भी देश हैं, वो सारे के सारे देश भी पैलेस्टाइन का मामला अब नहीं उठा पाएंगे। और उसके बाद इसराइल के साथ ये सारे देश एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। और ये जो IMEC कॉरिडोर की स्थापना करने के लिए प्लानिंग की जा रही है, ये सुचारू रूप से हो पाएगा। और ये कॉरिडोर बन जाने के बाद कई सारे फायदे हैं। एक तो चाइना के CPEC को इससे काउंटर किया जा सकेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। कई सारी केबल्स वगैरह डल सकती है, पाइपलाइन डल सकती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स डल सकती है। इन सबको लेकर हम चर्चा कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया से भारत, उसके बाद UAE तक हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए केबल डालने वाले हैं, फ्यूल वगैरह के लिए, गैस के लिए पाइपलाइन डाली जा सकती है, इंटरनेट के लिए केबल वगैरह डाली जा सकती है। तो अल्टीमेटली ये कॉरिडोर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर साबित होगा। और इसके लिए जितनी भी बाधाएं थी, वो इस अकेले डील से पूरी हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया, इजराइल इन फ्यूचर बहुत ही जल्द पीस डील एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हालांकि इतने जब लुभावने ऑफर सऊदी अरेबिया को मिल गए हैं, और सऊदी अरेबिया संभव तो मान भी सकता है और मान ही जाएगा इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली कुछ देश इसका विरोध जरूर करेंगे। पैलेस्टाइन को लेकर सऊदी अरेबिया के खिलाफ OIC संगठन में भी कुछ गतिविधियां देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है। उसका सॉल्यूशन है अमेरिका खुद। जो भी देश इस तरह के संभावित दिखाई दे सकते हैं, जो कि विरोध कर सकते हैं, उन्हें दबाने का काम अमेरिका बखूबी कर सकता है। टर्की, कतर और इस तरह के दो तीन और देश हैं जो कि सऊदी अरेबिया का विरोध कर सकते हैं कि आप इसराइल के साथ डायरेक्टली पीस करके और पैलेस्टाइन का मामला बीच में नहीं छोड़ सकते। तो अगर इनके ऊपर अमेरिका ठीक ठाक प्रेशर बनाता है, तो ये सारी बाधाएं भी दूर हो जाएगी। और अल्टीमेटली जो गोल रखा गया था कि फास्ट ट्रैक तरीके से IMEC कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा, वो बिल्कुल होते हुए हम लोग बहुत ही कम समय के बाद देख पाएंगे। और वैसे भी रिसेंटली JP Morgan के चीफ द्वारा ये कहा गया था कि भारत अमेरिका नेचुरल अलाई बन चुके हैं, और कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन चुकी है कि भारत और अमेरिका अगले 100 सालों तक पक्के दोस्त बने रहेंगे। तो इस दोस्ती का एडवांटेज कई सारे और देशों को मिलेगा, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE और स्पेशली इसराइल शामिल है। तो कहने का मतलब, G20 का जो समिट हुआ भारत में, उसमें भारत को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला, बाकी देशों को क्या मिला, ये छोड़ दीजिए, इसराइल को सबसे बड़ी जीत मिली है इस G20 से, क्योंकि जो भी अर्जित किया वो इसी कॉरिडोर के तहत अर्जित किया, और इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा अल्टीमेटली इसराइल को ही मिल रहा है। नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत में सबसे ज्यादा सुविधाएं मिलेगी और सबसे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इसराइल की जो बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है।